ऐसा ही एक आलसी चूहा था जिसका नाम था राजू। और राजू तो जो था वो एक बहुत बड़े चूहों की कम्युनिटी में रहता था। जैसे इस समय हम सब एक कम्युनिटी वाली फीलिंग महसूस कर रहे हैं, उसी तरह चूहों की एक कम्युनिटी थी। और वो सब भी काफ़ी एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते थे। दे यूज़ टू लिव इन अ कम्युनिटी टुगेदर। और वो सब एक खेत में रहते थे, एक गेहूं के खेत में। और दे वर नॉट हाउस रैट्स जो होते हैं, दे वर फील्ड रैट्स। फील्ड रैट्स जिनको कहा जाता है, जो थोड़े बड़े होते हैं, जिनकी पूंछ थोड़ी लंबी होती है, जो ज़्यादा काले होते हैं। और एक तरीके से बोला जाए तो दे आर लाइक वाइल्ड एनिमल्स। दे डोंट कम इन टू द हाउस, दे स्टे इन द फील्ड्स। सो ऐसी ही एक कम्युनिटी में ऑफ फील्ड रैट्स हमारे राजू जनाब रहा करते थे। और वो सबसे छोटे थे राजू, और बहुत आलसी थे। जब बाकी सारे चूहे मेहनत कर करके गेहूं जमा कर रहे थे और एक छोटी सी गुफा में इकट्ठा कर रहे थे कि भाई जब सर्दियां आएंगी, व्हेन विंटर कम्स, दैट टाइम वी शुड हैव इनाफ फूड ग्रेन। हमारे पास खाने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए वो हर गर्मियों में जाके सारा जो अपना खेत से गेहूं है, गेहूं के दाने हैं, उनको धीरे धीरे इकट्ठा कर करके एक बड़ी सी गुफा में डाल रहे थे। अब जब सारे चूहे सुबह से शाम तक गेहूं इकट्ठा कर रहे थे, तब हमारे आलसी जनाब राजू क्या कर रहे थे? वो आराम से खेत में लेट कर ऊपर सूरज को देख रहे थे और कुछ गुनगुना रहे थे। ला 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 ला। और बाकी सारे चूहे उसके आसपास से जा रहे हैं, गेहूं के दाने इकट्ठा कर रहे हैं, वापस गुफा में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं, ए राजू उठ उठ, क्या कर रहा है? यहाँ पड़ा पड़ा बस गुनगुना रहा है, हवा सेक रहा है, सूरज सेक रहा है। गेट अप ज्वाइन अस, देर इज सो मच वर्क टू डू। और राजू बोलता है, अरे यार मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोग भी काम कर रहे हो और मैं भी काम कर रहा हूँ। और सारे चूहे बोलते, तू क्या काम कर रहा है? तू तो बस यहाँ पड़ा पड़ा कोई गाना गुनगुना रहा है। राजू कहता, अरे छोड़ो ना यार, तुम लोग जाओ, तुम लोग गेहूं इकट्ठा करो, मैं यहाँ पे बैठा बैठा अपना काम कर रहा हूँ। अब सारे चूहे बड़े परेशान, ये राजू तो कुछ काम ही नहीं करता, राजू कुछ काम ही नहीं करता। सब लोग चूहों के मुखिया के पास गए, दे वेंट टू द लीडर ऑफ द रैट्स एंड सेड, अरे ये राजू का कुछ करिए, ये तो कुछ काम ही नहीं करता है। अब जो लीडर था वो काफी बूढ़ा सा था, बोलता तुम लोग अपना अपना काम करो, गेहूं लेके आओ, मैं राजू से बात करूंगा। अगले दिन सारे चूहे गेहूं लेने जा रहे हैं और अपना आलसी राजू बैठा हुआ इंद्रधनुष देख रहा है, क्योंकि आज इंद्रधनुष निकला है, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। तो वो बैठा बैठा एक पत्थर के ऊपर देख रहा है इंद्रधनुष को और गा रहा है, ला 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 ला। और सारे चूहे परेशान, ए राजू उठ, तू क्या हमेशा बैठे बैठे गाना गुनगुनाता रहता है? उठ चल हमारे साथ काम कर, गेहूं उठा, कुछ और कोई फल लेके आ, अखरोट लेके आ, बादाम लेके आ, मूंगफली ढूंढ के ला, क्या बैठा बैठा तू गाना गाता रहता है? तो राजू ने मिला, अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम लोग अपना काम करो, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे गाना गाने दो। ला 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 ला। ऐसे सारा दिन राजू कभी सूरज को देख रहा है, कभी इंद्रधनुष को देख रहा है, कभी तितलियों को देख रहा है, कभी फूलों को देख रहा है, कभी पत्तों को सूंघ रहा है, कभी फूलों की महक ले रहा है, कभी जाते हुए पानी को देख रहा है, कभी कोई कविता लिख रहा है, कभी कोई गाना लिख रहा है, कभी नाच रहा है। और सारे चूहे परेशान,
पर फिर भी सारे बाकी चूहों ने मिलके बहुत सारा गेहूं इकट्ठा कर लिया और जाके गुफा में डाल दिया। अब उनके लिए सर्दी भर का खाना इकट्ठा हो चुका था। जो 25 से 30 चूहे थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से करीब 3-4 महीने का खाना इकट्ठा करके गुफा में डाल दिया था। अब राजू ने तो एक भी गेहूं का दाना इकट्ठा नहीं किया था, पर फिर भी जब सर्दियां आई तो भूख तो लगी राजू को। तो राजू गया, ए सुनना सोनू, मुझे थोड़ा सा गेहूं देना। अब सोनू ने मुंह बनाया और राजू को थोड़ा सा गेहूं दे दिया। राजू ने गेहूं खाया और गाया, ला 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 ला। अगले दिन राजू को फिर से भूख लगी। राजू गया मोटू के पास, ए मोटू सुनना, थोड़ा सा गेहूं देना, बहुत भूख लगी है यार। मोटू ने बोला, तूने तो एक भी गेहूं का दाना नहीं उठाया, हम सब क्यों तुझे गेहूं दे। राजू ने बोला, अरे देना यार, बहुत भूख लग रही है, चलना देना। तो उसने उसको थोड़ा सा गेहूं का दाना दे दिया। ला 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 ऐसे कर करके दिन कटते रहे। अब क्या हुआ कि इस साल सर्दी थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई थी। धीरे धीरे सारा गेहूं जो चूहों ने इकट्ठा करके गुफा में डाला था वो खत्म हो रहा था। चूहे परेशान हो रहे थे, सब थोड़ा थोड़ा खा रहे थे और बोल रहे थे, मुखिया जी मुखिया जी कुछ करिए, इस बार तो लग रहा है सर्दी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है और हमारे पास तो इतना गेहूं भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे मुखिया जी। मुखिया ने बोला, ऐसा कई सालों में पहली बार हुआ है कि इतनी सर्दी पड़ी है, अब क्या कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा कम कम खाइए और बस ये आशा करिए कि सर्दियां जल्दी से ख़त्म हो जाए और धूप निकल आए ताकि हम लोग बाहर जाकर फिर से खाना इकट्ठा कर सकें। सबने प्रार्थना की, हे भगवान सर्दियां जल्दी से ख़त्म हो जाए, हे भगवान सर्दियां जल्दी से ख़त्म हो जाए, हे भगवान सर्दियां जल्दी से ख़त्म हो जाए, हे भगवान सर्दियां जल्दी से ख़त्म हो जाए। और राजू क्या कर रहा था, ला 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 ला। और सब बोले, चुप कर, प्रार्थना करो भगवान से कि सर्दियां जल्दी खत्म हो जाए, सूरज जल्दी निकल जाए और हम लोग बाहर जाके फिर से दाना इकट्ठा कर पाए। राजू ने बोला, अच्छा ठीक है मैं भी करता हूँ। हे भगवान सर्दियां जल्दी से खत्म हो जाए और हम सब बाहर जाके फिर से दाना इकट्ठा कर सके। पर भगवान ने चूहों की एक न सुनी। उस साल इतनी सर्दी पड़ी कि चूहों ने जो गेहूं इकट्ठा किया था वो सारा खत्म हो गया। अब सारा गेहूं खत्म हो गया, चूहों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बाहर सर्दी, गुफा के अंदर सब भूख से परेशान थे। जो छोटे छोटे चूहे थे वो तो रोने लगे, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी खाना दो, भूख लग रही है मम्मी। अब चूहों के पास कुछ भी खाने को नहीं है, सब उदास निराश होपलेस डेस्परेट गुफा में ऐसे बैठे हुए। तब जो हमारा आलसी चूहा था यानी कि राजू, वो सबके सामने आया और बोला, दोस्तों देखो हमारे पास इस समय कुछ भी खाने को नहीं है, आप सब बहुत परेशान उदास लग रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, पर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। सारे चूहों ने बोला, तू क्या कर सकता है हमारे लिए, तूने तो एक गेहूं का दाना तक नहीं उठाया था, पूरा दिन आलस खा के पड़ा रहता था, कभी सूरज को देख रहा है, कभी हवा को देख रहा है, कभी फूलों को सूंघ रहा है, कभी पत्तों को खा रहा है, कभी इंद्रधनुष देख रहा है, तू भला किस काम का है। तो राजू सबके सामने गया और उसने बहुत सुंदर
गाना गाया, ला 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 ला। और इस गाने में उसने सूरज के किरणों की बात की, उसने इंद्रधनुष के रंगों की बात की, उसने अलग अलग फूलों की खुशबुओं की बात की, उसने तितली के उड़ने की बात की, उसने हवा के चलने की बात की, उसने पत्तों को छूने की बात की, उसने चिड़ियों के चहचहाने की बात की, और सारे जो चूहे थे उनकी आंखें ऐसी हो गई, और सब कुछ देर के लिए ये भूल गए कि उनको भूख लगी थी, उनको प्यास लगी थी, और सब आलसी राजू के गाने, कविताओं और नाच में खो गए। अगले दिन जब सारे चूहों को भूख लगी तो फिर से चूहों ने बोला, सुनना राजू, कुछ गाना यार, जब तक तू गाएगा हम परेशान नहीं होंगे, जब तक तू नाचेगा हम उदास नहीं होंगे, जब तक तू कविताएं सुनाएगा हमें भूख नहीं लगेगी। तो राजू सबके सामने आया और उसने फिर से गाया, ला 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 ला। और उसने नेचर की बातें की, उसने सुंदरता की बातें की, उसने होप की बातें की, और उसने सबको एक साथ मिलके खूब गाने गवाए, खूब डांस कराया, खूब कविताएं सुनाई। तो सबने फाइनली बोला कि राजू, हमको अब समझ में आया कि जब हम गेहूं इकट्ठा कर रहे थे तब तुम भी अपना काम कर रहे थे। तो राजू ने बोला, हाँ यार, वही तो मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार का काम होता है चीज़ों को देखना, चीज़ों की सुंदरता को देखना, अपने ख्यालों में कविताएं बनाना, गाने बनाना, नाच बनाना, और जब सबके पास कुछ खाने को ना हो, कुछ पीने को ना हो, सब उदास हो, सब परेशान हो, सब भूखे हो, तब अपने गाने गाकर, अपना नाच दिखाकर, अपनी कविताएं सुनाकर सबका दिल बहलाना और सबके अंदर आशा को जगाए रखना।